नमस्कार, इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे मल्टीबैगर केमिकल स्टॉक के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बालाजी अमायंस लिमिटेड के बारे में। बालाजी अमायंस की बात करें, आज के दिन इन स्टॉक में हमें एक अच्छे खासे गिरावट देखने को मिला, लगभग 3% के आसपास की गिरावट। इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम पिछले 5 दिन की भी परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग दोस्तों स्टॉक में 707% के आसपास आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाएगा। और अगर हम एग्जैक्टली बात करें, ये दोस्तों पूरे 5 दिन की करेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 16 और 17, मतलब कल और आज, पिछले 2 दिन में ये स्टॉक लगभग 707% के आसपास स्टॉक हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिले। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न की बात करें दोस्तों, कंपनी के Q1 के नंबर। क्या कंपनी के Q1 के नंबर क्या ख़राब है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के नंबर जो कि 14 अगस्त मंडे के दिन आने वाले थे दोस्तों, वो नंबर अभी तक हमें, मतलब वो नंबर कंपनी के Q1 के नंबर हमें डिले आते हुए देखने को मिले। यानी कि कंपनी के नंबर जो कि 14 अगस्त को आने वाले थे, वो आगे के लिए वो पोस्टपोन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये न्यूज़ भी आप देख पाएंगे, बालाजी अमायंस का जो रिजल्ट है वो हमें डिले होते देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ड्यू टू जो अनएबिलिटी जो ऑफ मैनेजमेंट, इन चीज़ के चलते कंपनी के जो नंबर है जो कि मंडे के दिन 14 अगस्त को आने वाले थे, वो हमें डिले होते हुए देखने को मिले। तो कब तक कंपनी के नंबर आएगा दोस्तों? ऐसा ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया, जैसे ऐसे न्यूज़ आ जाएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। नो डाउट दोस्तों, इस प्रकार के अगर न्यूज़ आता है, वो भी जब स्टॉक टॉप लेवल से एक साल में 43%, और एग्जैक्टली बात करें तो टॉप लेवल से 60% स्टॉक ऑलरेडी करेक्शन है, उसके बाद भी अगर दोस्तों ऐसे हमें अपडेट आता है कंपनी के मैनेजमेंट के साइड से कि कंपनी के जो नंबर है Q1 के नंबर खराब आएंगे या अच्छे आएंगे, वो तो नंबर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कंपनी के जो नंबर है जो कि टाइम पे डिलीवर होना चाहिए, जो कि टाइम पे आना चाहिए, वो नंबर ही दोस्तों हमें डिले होते हुए देखने को मिला। नोट आउट, इसके चलते कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको ये पॉइंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे कि कंपनी के नंबर ही डिले हो रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ दिक्कतें होगा, हो सकता है कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो या नंबर में प्रॉब्लम हो, तो इस चीज़ के चलते हमें स्टॉक में और भी ज़्यादा करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है और अगर आप में ऑलरेडी जिनके पास ये टॉप पे है, उनके तो मतलब पोर्टफोलियो की पूरी तरह से बैंड बजे पड़ी हुई है, लेकिन जिन्होंने हाल ही में स्टॉक को बाय किया, फिर जिनके पास ये स्टॉक पुराने टाइम से है, क्या इस न्यूज़ के चलते कि स्टॉक में लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बालाजी अमायंस लिमिटेड की बात करें, कंपनी अच्छी कंपनी है, बिजनेस वाइज भी बात करें तो आप देख पा रहे हैं बालाजी लिमिटेड स्पेशलाइज की बात करें, मैन्युफैक्चर मेथिल अमायंस की बात करें या फिर एथिल अमायंस की बात करें, डेरिवेटिव ऑफ स्पेशलिटी केमिकल फार्मा एक्सपर्ट की बात करें, तो बहुत सारे चीज़ों में कंपनी के हमें अच्छे खासे योगदान देखने को मिलता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि वेरियस टाइप का कंपनी आपको केमिकल बनाते हुए देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों कोई आज की कंपनी नहीं है, बहुत ही पुराने टाइम से ये कंपनी हमें देखने को मिल जाता है। तो लगभग आप बोल सकते हो कि 1990 कंपनी की ये लिस्टिंग है। अगर आप NSE पे जाओगे तो 2007 से आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा, अगर आप BSE पे जाओगे तो आपको 19 के जमाने से ये कंपनी आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी कंपनियाँ टॉप लेवल से सिर्फ गिरा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जिट, मतलब स्टॉक को लॉस में बेचने के बारे में सोचो, या फिर जो खासकर जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी के जो नंबर आने वाले थे 14 अगस्त को, वो कंपनी के मैनेजमेंट डिले करते हुए देखने को मिला। नो डाउट, तो कंपनी के Q1 के नंबर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले कि किस प्रकार की कंपनी के नंबर होने वाले, कि ऑलरेडी हमें पता है कि ये भी केमिकल ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपनी है, तो ऑब्वियसली इसके नंबर भी हमें दोनों बेसिस पे, क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे हमें बहुत ही खराब ही देखने को मिलेगा। अब कितना खराब देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक टॉप लेवल से 60% गिरा हुआ है और स्टॉक एकदम अपने ब्रेक डाउन दोस्तों जो 2000 के लेवल है, जो कि अभी तक स्टॉक इस लेवल को इतनी गिरावट होने के बाद भी स्टॉक 2000 के लेवल को एटलीस्ट होल्ड करके रखे हुए, और इसी बीच में अगर कंपनी के नंबर खराब आ जाते जो कि बहुत ही ज़्यादा, तो इजीली आपको 2000 के लेवल ब्रेकडाउन दिखा सकता है और स्टॉक में लगभग आप बोल सकते हो और भी शानदार गिरावट भी हो सकता है। स्टॉक ऑलरेडी 60% गिरा है, लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि स्टॉक ऐसे नहीं कि स्टॉक कोई स्टॉक 60% गिरा तो और नहीं गिर सकता, स्टॉक एक साल में 200% भागा तो और नहीं भाग सकता। कंपनी जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाएगा, स्टॉक प्राइस में आपको उसी प्रकार के मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो इतना कहना चाहूँगा, देखते कंपनी के मैनेजमेंट कब इनके नंबर डिलीवर करते हैं और उस नंबर किस प्रकार के आते हैं, कि जैसे बाकी कंपनी नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं वैसे या फिर उससे भी खराब,
तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अगर आपके पास है बालाजी एमएस तो इतना जरूर कहना चाहूँगा इस न्यूज़ के चलते और इस गिरावट को देख के कि स्टॉक एक साल में 40% टॉप लेवल से 60%, तो प्लीज़ लॉस तो हर केमिकल कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा और ऊपर से ये दोस्तों एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, तो इस प्रकार की गिरावट तो दोस्तों एक नॉर्मल गिरावट है। तो अच्छी कंपनी है आप डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हो, और किसी को डिसीजन लेनी है कि स्टॉक 60% की डिस्काउंट मिल रहा है तो इन स्टॉक में क्या जाना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि पहला तो इनमें दो नेगेटिव न्यूज़ अभी तक आ चुका है। पहला कि कंपनी के नंबर बहुत ही खराबी आने वाले हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी के मैनेजमेंट ने जो नंबर आने वाले थे मंडे के दिन 14 अगस्त को, वो नंबर ही दोस्तों उन्होंने डिले कर दिया। तो एक बार कंपनी के नंबर देखे मिला दोस्तों एक भी स्टॉक मत खरीदना, तो प्लीज़ नंबर देखना उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। सो दीपक नाइट्राइट की बात करें, सो आज के दिन भी इन स्टॉक में लगभग 202% का हमें गिरावट देखने को मिला, और अगर गिरावट की भी बात करें तो एकदम एक तरफा कंसिस्टेंसी, और जो क्लोजिंग भी है दोस्तों वो भी एकदम बॉटम पे। तो माइट भी अगर बाजार में कल के दिन थोड़ा बहुत प्रेशर रहा तो ये गिरावट आपको और भी साया से देखने को मिल सकता है। पिछले 5 दिन की बात करें तो टॉप लेवल से लगभग आपको 4.5% के आप स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। सो ऑलरेडी अगर हम बात करें दीपक नाइट्राइट अपने टॉप लेवल से 30% ऑलरेडी करेक्शन है, उसके बाद भी स्टॉक में पिछले 2 दिन में 5% स्टॉक और गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस लेवल पे स्टॉक ने आज के दिन क्लोजिंग दिया जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि अगर इस लेवल को दोस्तों एग्जैक्टली 1950 के मतलब 1995 जो 1950 के लेवल है, अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर दे तो उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़े गिरावट भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो जो कि 1750 की, जो कि इससे पहले भी हमने कवर किया था। तो इतना कहना चाहूँगा कि स्टॉक दोस्तों एक बहुत ही रेंज बाउंड में आपको ट्रेड करते देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अगर हम अपसाइड की बात करें तो 2250, सो 2250 से लेके दोस्तों आपको 2000 के रेंज में स्टॉक आपको कुछ दिनों तक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर बड़ी तेज़ी स्टॉक में तभी आ पाएगा अगर इसने टेक्निकल के हिसाब से 2250 को ब्रेक कर दे, उसके बाद ही आपको एक बहुत बड़े रैली देखने को मिल सकता है। और सेम अगर इसने 1950 को ब्रेक कर दिया उसके बाद जाके आपको एक बहुत बड़े गिरावट जो कि 1750 के आपको आराम से ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा जिन्होंने टॉप पे खरीदा वो तो बिंदास होल्ड करके चले, अगर बाय चांस स्टॉक गिरावट आ ही जाता है 1750 तक आ भी जाता है तो आपके लिए और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, आप ज़रूर आप उसमें एवरेज करके जा सकते हो। और सेम फ्रेज बायर के लिए भी, ऐसे नहीं कि स्टॉक अगर आप फ्रेज बाय करने के बारे में सोच ही रहे हो लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो आपको सिर्फ 1750 के मतलब लेवल पे बाय करना है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, हो सकता है स्टॉक इस लेवल से बाउंस बैक करे और फिर से स्टॉक में इतने तेजी आए जो कि ये जो 2250 है उसको भी ब्रेक करके स्टॉक एक फॉर्दर तेजी दिखाए, तो आप चाहो तो अभी से जो कि लगभग टॉप लेवल से 32% की गिरावट में, तो आप चाहो तो अभी से स्टॉक में थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट करना आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक कहाँ तक गिरेगा कहाँ तक भागेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि हम बिजनेस वाइज बात करें तो कंपनी बहुत फैंटास्टिक है तो लॉन्ग टर्म में ये आपको कम बैक ही करते देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो अभी से स्टॉक में आप थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट इस एप के हिसाब से ज़रूर कंटिन्यू करके चल सकते हो, और बार बार रिपीट कर रहे हो अगर गिरावट होता है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सेम फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड। सो अगर हम फाइन ऑर्गेनिक की बात करें तो सेम इसमें भी आप देख पा रहे हैं जो इसके 4500 के लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये कोई आज के सपोर्ट लेवल नहीं है, लगभग एक साल होने वाला है दोस्तों स्टॉक इसी रेंज में स्टॉक आता है उसके बाद ही स्टॉक में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली उसके बाद एक फर्दर गिरावट जो कि लगभग आप बोल सकते हो 4250 के, जो कि आप इजीली इस लेवल को विटनेस भी कर पा रहे होंगे। सेम अगर ये स्टॉक को अगर बड़ी मूवमेंट दिखाना ही है तो लगभग आपको 5000 को ब्रेक करना है, उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग देना है सस्टेन करना है, तभी जाके आप बोल सकते हो एक बहुत बड़ा रैली जो कि 6000 या फिर उससे भी ऊपर आप रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अदरवाइज 4500 से लेके 5000 इसी रेंज में ये स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा जब तक कंपनी के Q1 के नंबर नहीं आते। तो इतने कहना चाहूँगा अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होता भी है और स्टॉक 4250 पे आता भी है तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, अगर अदरवाइज़ फिर से स्टॉक अगर 5000 को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे सस्टेन दिखाए तभी चाहो तो आप इसके बारे में, या फिर आप चाहो तो इस लेवल पर भी स्टॉक को एंट्री लेके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी की बात करें लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी बहुत ही शानदार